सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, प्रार्थना क्या है? बहुत लोग आते हैं मेरे पास, पूछते हैं कि हम कैसी प्रार्थना करें कि हमारी ईश्वर सुन लें, कैसी प्रार्थना करें कि हमारा यह काम बन जाए कि वह काम बन जाए, हम किसकी प्रार्थना करें कि मैं सफल हो जाऊं, मुझे नौकरी मिल जाए, कि मेरे बच्चे हो जाएं, कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, कि मैं अमुक चुनाव जीत जाऊं। बहुत सारे लोग युगों युगों से ये इस तरह से कुछ न कुछ देवी शक्ति पर विश्वास करते आए हैं और उनसे कुछ मांगते आए हैं, याचना करते आए हैं। ये जो प्रार्थना है यह प्र और अर्थना से बना हुआ है। अर्थना का अर्थ याचना ही होता, मांगना। और जो लेने की प्रक्रिया है, मांगने की प्रक्रिया है, यह कभी प्रार्थना होती ही नहीं। जिस शुद्ध अर्थ में हम लोग प्रार्थना समझते हैं, भक्ति के अर्थ में, वह यह प्रार्थना नहीं है। यह तो याचना वाली प्रार्थना है, मांगने वाली प्रार्थना है, और इसका मूल्य कुछ भी नहीं है। यह तो बदले में है कि मैं तीर्थ घुमाऊंगा, कि मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा, कि मैं अनुष्ठान करा दूंगा, कि मैं 10 लोगों को भोजन करा दूंगा, कि मैं मंदिर बनवा दूंगा, कि मूर्ति स्थापित कर दूंगा, कि इतने प्रतियां गीता बंटवा दूंगा, कि रामायण बंटवा दूंगा, कि एक बार कीर्तन करवा दूंगा। इस तरह से व्यापारिक दृष्टिकोण से लेन देन, परस्पर लेन देन के भाव से जो किया जाता है, वह प्रार्थना जो शुद्ध अर्थ में, जो वैदिक अर्थ में प्रयोग होते आया है प्रार्थना, वह नहीं है। यह प्रार्थना जो आप किसी के भय से या किसी के लोभ से करते हैं, इनके दबाव में करते हैं, तो वह आध्यात्मिक प्रार्थना तो नहीं है, वह अनुष्ठानिक प्रार्थना है। आप याचना करते रहिए, पशु मांगिए, जन मांगिए, धन मांगिए, पद मांगिए, यश मांगिए, स्वास्थ्य मांगिए, लेकिन ये सारी मांगें जब तिरोहित हो जाती हैं, जब हम कुछ नहीं मांगते, बस ईश्वर की तरफ से जो प्रकट होता है उसको होने देते हैं और कुछ नहीं मांगते अपनी तरफ से। भगवान तो स्वयं कहते हैं, योग क्षेमम वहाम्यहम्। भगवान स्वयं हम लोगों की आजीविका का और हम लोगों के स्वयं हर चीज़ का निर्धारण करते रहते हैं, वे स्वयं देते रहते हैं बिना मांगे। और मांगने से का मतलब हो गया कि क्या हमारी वो पात्रता नहीं है तो हमें कैसे मिलेगी? फिर तो कर्म का विधान ही बेकार हो जाएगा। तब तो कोई भी मांग मांग के अपनी हर चीज़ पूरी कर लेगा, फिर तो ये पूरी अराजक व्यवस्था हो जाएगी। कर्म का विधान यही कहता है कि आपको अपने कर्म के अनुसार ही आपको फल मिलेगा। ईश्वर की आराधना करते रहिए, सिर्फ ईश्वर की आराधना करने के लिए, कुछ मत मांगिए। प्रलोभन का मतलब तो हो गया कि आपको कोई चीज़ मिलेगी तब आप करेंगे, या जब वो चीज़ मिल गई तो फिर आपको उसको करना नहीं है, प्रार्थना नहीं करनी है। कितने लोग पूछते हैं, कितने बार मंत्र जपेंगे तो हमारा सिद्ध हो जाएगा, फिर हमारा काम बन जाएगा। अरे काम बनने से क्या मतलब है?
हम जपते रहें, बस प्रभु का नाम जपते रहें, काम हमारा बने या बिगड़े। इसका मतलब काम बन जाएगा तो आप फिर अप नहीं करेंगे, तो ऐसी प्रार्थना का क्या मूल्य है जो किसी के लोभ से किया जाता हो। उसी तरह से कितने डर से करते रहते हैं कि कहीं मर न जाए, कहीं अनिष्ट न कर दे, कहीं शत्रु हमें नुकसान न पहुंचा दे, तो उस वजह से अनुष्ठान और प्रार्थना करते रहते हैं। उसका भी क्या मूल्य है, वो भय की स्थिति समाप्त हो जाएगी तो फिर आप वह छोड़ देंगे, प्रार्थना छोड़ देंगे। तो यह सब प्रार्थना नहीं है, वास्तव में हमारे भय का और लोभ का फैलाव है। हमारा जो प्रिमिटिव माइंड है, वह प्रिमिटिव माइंड बहुत समय से ऐसे ही सोचता आ रहा है। पहले के ज़माने में तो ठीक है सोचता था, जब उतने अनुसंधान नहीं थे, जब हमने प्रकृति के विषय में और सिद्धांतों के विषय में, ज्ञान और विज्ञान के विषय में हमने उतनी समझ विकसित नहीं की थी, तब तो यह मांगता था। उस प्रिमिटिव माइंड का जो संस्कार है वो हमारे में बचा रह गया है, इसीलिए हम ये सब काला जादू वगैरह ये सब इन सब के फेरे में पड़ जाते हैं और हमें लगता है कि अमुक ने कर दिया, अमुक ने कर दिया, इस जादू से हम ये कर लेंगे। अरे जादू से ही कुछ होता, इन सब प्रार्थनाओं से ही कुछ होता तो लोग गरीबी नहीं मिटवा लेते प्रार्थना कर करके, दुनिया से अन्याय नहीं मिटवा लिए होते, दुनिया से बेरोजगारी नहीं खत्म करवा लिए होते। प्रार्थना का भौतिक अर्थ ना लगाया जाए, भौतिक अर्थों के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाए, यह आध्यात्मिक अर्थों के लिए है, जहां हमें कुछ लेने देने से मतलब नहीं रहा। लेने देने की चीज़ों से हम ऊपर उठ करके भी कुछ सोच सकते हैं, जहां हमारा निजी व्यक्तिगत कोई स्वार्थ नहीं होता वहां भी हम जाकर कुछ कर सकते हैं, ऐसे आयाम में प्रवेश कर सकते हैं जहां हमारा व्यक्तिगत कुछ नहीं रह जाता है, हम व्यक्तिगत से भी ऊपर कोई अस्तित्व हैं, हम उस समिष्ट अस्तित्व के लिए भी कुछ सोच सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ हो सकते हैं। तो वैसी स्थिति में प्रवेश कर जाना प्रार्थना है, और प्रार्थना वैसी ही स्थिति में प्रवेश करने के लिए ही निर्धारित की गई है। तो हम जो कुछ भी कहते हैं ये कोई एक लाइन नहीं है, प्रार्थना का मतलब यह नहीं है कि हमने कुछ कोई लाइन जप ली या कुछ कोई चालीसा पढ़ लिया, कोई आरती उतार दी, कोई मंत्र जाप कर लिया, कोई हवन कर दिया, कोई कीर्तन कर दिया, हो गई प्रार्थना, हाथ फैला लिए, हाथ जोड़ लिए, ये प्रार्थना हो गई, उसका इससे कुछ बहुत लेना देना नहीं है। हमारे दिल के और हमारे दिमाग से इसका बहुत मतलब है कि हम क्या सोचते हैं और किस अर्थ में सोचते हैं। जब हम निजी हित से ऊपर उठ करके कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ होते हैं, अपने निजत्व से बढ़ करके कुछ होते हैं, कुछ करते हैं, कुछ बोलते हैं, वह स्थिति प्रार्थना होती है। जब सभी प्राणियों के सभी अस्तित्व के पूरे अस्तित्व के कल्याण के लिए सोचते हैं, करते हैं, या पूरे अस्तित्व का हम ज्ञान और विज्ञान समझते हैं, इनके बीच में कौन सा लॉ है उसको हम देखते हैं, समझते हैं, उसका अनुसंधान करते हैं, वह हमारे लिए प्रार्थना हो जाती है। तो उस तरह की प्रार्थना में हम प्रवेश करें जो इसका वास्तविक मूल्य है, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने, वैदिक ऋषियों ने शुरू से ही ये समझाया है, न कि वैसे लोगों के द्वारा जो कि इसी संसार में जिनकी पूरी इंद्रियां रम रही थी, जिनकी पूरी मनोदशा इन्हीं भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हेतु रम रहे थी, वैसे से मतलब नहीं है। वह प्रार्थना तो फिर ढकोसला है, उस प्रपंच में न फंसे। यदि हम ऐसा एक मिनट भी करते हैं, आधा मिनट भी कर पाते हैं, तो हम अहोभाग्य हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं, और उसका कुछ विशेष कोई विधान से मतलब नहीं है, बल्कि हमारा दिल कितना पवित्र है, हमारे विचार, हमारे कर्म कितने पवित्र हैं,
कितने बड़े उद्देश्य को लेकर के हैं और निजी हित से हट करके हैं, उससे उसका ज़्यादा मतलब है। और प्रभु को कितना समर्पित, हम प्रभु के चरणों में हर चीज़ समर्पित कर दें, वही शुद्ध भक्ति है, वही प्रेमा भक्ति है, वही नवधा भक्ति है और वही प्रार्थना।